बोला था ना आप लोगों को, बोला था ना कि विकास गुप्ता और एजाज खान का एक भयंकर झगड़ा होने वाला है। लो जी, हमें पता भी चल गई बात। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें और बेल आइकन को टिंग टांग जरूर कर दें। दोस्तों, जैसा कि लाइव अपडेट में मैंने देखा था कि एजाज खान और विकास गुप्ता दोनों के बीच में तगड़ा झगड़ा चल रहा है। विकास गुप्ता ने बोला, बोल तुझे जो बोलना है, और अपने एजाज भाई ने ऐसे करके लात भी मार दी दोस्तों, और कुर्सी ऐसे लुढ़कते हुए चली गई, पार गिर गई। अब इस दौरान जो है कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से दोस्तों विकास को चोट भी लगी है, ऐसी पूरी उसमें दिखाई दी थी चीजें, वो अलग बात है। लेकिन अब मुद्दा पता चल गया है। विकास गुप्ता कहते हैं कि ये जिस लड़की को डेट कर रहा था वो लड़की मुझे भी डेट कर रही थी, एंड ये बेसिकली डबल डेटिंग का किस्सा था, और यही बात जो है उसको जो है खाए जा रही है। और तूने जो इल्जाम लगाया है मेरे ऊपर एजाज खान की, मेरे अब्बा जो है सुसाइड करने वाले थे, और मेरे अब्बा जो है ये करने वाले थे, वो करने वाले थे, और जेल जाने वाले थे, सॉरी, तो ये गलत है सरासर। एजाज खान को बहुत गुस्सा आया है दोस्तों, और इससे पहले एजाज खान इतना ज्यादा कभी नहीं फटे हैं। बाय गॉड, कुछ ना कुछ तो मेन इंपॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से यहां पर कहीं ना कहीं दोस्तों एजाज भाई सही भी होते हुए नजर आ रहे हैं। बट फिर उसके बाद विकास गुप्ता नेशनल टेलीविजन पे ये भी कह रहे हैं रोके कि मैं कोई ढोलकी हूं क्या, हर कोई बजाता है चले जाता है, कोई कहता है काम छीन लिया, कोई कहता है कुछ कर लिया, कोई कहता है कुछ कर लिया। सो ये क्या प्रॉब्लम क्या है लोगों को मेरे से। सो एजाज खान भी यहाँ पर इमोशनल हो गए हैं और अर्शी खान उनको संभाल रही है। अब भाई ये क्या है मुद्दा, हमें नहीं पता, इसका तो हमें कल के दिन इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या है कहना, फटाफट कमेंट सेक्शन में जाओ मुझे बताओ, वरना जूली आ जाएगी। ठीक है, चलता हूं मैं, अपना ख्याल रखिए।